आपको एक पत्थर की वजह से 100 बिलियन डॉलर्स मिले तो कैसा लगेगा? सिर्फ आप ही को नहीं, इस प्लैनेट के हर एक इंसान को 100 बिलियन डॉलर्स यानी 8 लाख करोड़ रुपए मिले तो कैसा लगेगा? भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, सच है, क्योंकि हमारे ही सोलर सिस्टम में एक ऐसा खजाना छुपा है जो हमारा इंतजार कर रहा है कि कब हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें और कब वहां पर जाकर उस खजाने को अपना बनाएं। बात हो रही है एस्ट्रॉइड्स की, जिनमें छुपे हैं आयरन, प्लैटिनम और गोल्ड जैसे कीमती मटेरियल्स, जिन्हें हम एस्ट्रॉइड माइनिंग टेक्नोलॉजी से अपना बना सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक स्पेस के बारे में बात करते हैं। जानते हैं कि हमारे ही सोलर सिस्टम में जस्ट मार्स के बगल में कितना खजाना है और उसे पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज इसे एंड तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैप्टर 1, ये एस्ट्रॉइड्स हैं क्या? लेकिन सबसे पहला सवाल, ये एस्ट्रॉइड्स होते क्या है और इनमें इतना सारा माल आया कहां से? थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 4.6 बिलियन years ago when our solar system was getting formed. तब ना ही पृथ्वी थी, ना ही मार्स, ना ही मर्क्यूरी, बस हर जगह गैस क्लाउड्स थे। ग्रेविटी की वजह से इन गैस क्लाउड्स में से प्लैनेट्स फॉर्म होने लगे। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स और प्लूटो जैसे कई ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। लेकिन इस प्रोसेस के बाद भी कई सारा मटेरियल बचा था जो छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज में कन्वर्ट हुआ। एस्टिमेट है कि हमारे ही सोलर सिस्टम में 8 लाख से ज्यादा एस्ट्रॉइड्स हैं। ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, वहाँ पर पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड्स 3 टाइप के होते हैं, सी टाइप यानी कार्बोनेशियस एस्ट्रॉइड्स, एस टाइप यानी सिलिकेशियस एस्ट्रॉइड्स और एम टाइप यानी मेटालिक एस्ट्रॉइड्स। इन एम टाइप एस्ट्रॉइड्स में मेनली आयरन और निकल होता है। ये है एक फुटबॉल ग्राउंड और ये है उसी ग्राउंड के साइज का एक एस्ट्रॉइड। गोल्डमैन सैक्स के एनालिस्ट मानते हैं कि ऐसे एक एस्ट्रॉइड पर 4,000 करोड़ का प्लैटिनम मिलेगा। माना जाता है कि मार्स और जुपिटर के बीच जो सारे एस्ट्रॉइड्स हैं उनमें छिपा सारा मटेरियल अगर हम एक्सट्रैक्ट कर पाए तो उसकी वैल्यू 10 क्विंटिलियन डॉलर्स होगी। दैट इज 1 with 18 zeros. नील डिग्रास टाइसन दुनिया के सबसे पॉपुलर एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। वो कहते हैं दुनिया का पहला ट्रिलियनर वही होगा जो एस्ट्रॉइड्स पर माइनिंग स्टार्ट करेगा। चैप्टर 2, एस्ट्रॉइड माइनिंग की जरूरत। एस्ट्रॉइड माइनिंग हमारा फ्यूचर है और इसके 3 मेन रीजंस। नंबर 1, पृथ्वी पर रिसोर्सेस लिमिटेड। नंबर 2, ये रिसोर्सेस अक्वायर करने के लिए हमें माइनिंग करनी पड़ती है जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती है, एयर वाटर और लैंड को पॉल्यूट करती है, डिफॉरेस्टेशन करती है। नंबर 3, लेकिन स्पेस में ये रिसोर्सेस अवेलेबल है और हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। टेक्निकली ये पॉसिबल है। एग्जाम्पल लेते हैं 16 साइकी नाम के एक एस्ट्रॉइड का। इसका डायमीटर 226 किलोमीटर है, यानी हमारे मून से ये 16 गुना छोटा है। नासा इस साल यानी 2022 में साइकी मिशन प्लान कर रहा है जस्ट टू एस्टिमेट कि इस एस्ट्रॉइड का वर्थ क्या है। एस्ट्रॉइड माइनिंग एकदम साइंस फिक्शन टेक्नोलॉजी लगती जरूर है, लेकिन नासा ने इसके बारे में रिसर्च 1970s में ही स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट 2015 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक नया लॉ पास किया जिसके थ्रू US सिटीजन सेलेस्टियल बॉडीज को ओन कर सकते हैं। सो टेक्निकली स्पेस कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है। यानी फंडा सिंपल है, अगर हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की तो टेक्निकली हम स्पेस माइनिंग कर सकते हैं। चैप्टर 3, एस्ट्रॉइड माइनिंग होगा कैसे। एस्ट्रॉइड माइनिंग हमारे फ्यूचर की रियलिटी है। 3 पॉइंट्स में समझते हैं ये होगा कैसे। ट्रांस एस्ट्रा नाम की एक कंपनी एस्ट्रॉइड माइनिंग पर काम कर रही है। स्टेप 1 में एस्ट्रॉइड को कैप्चर किया जाता है। स्टेप 2 में माइनिंग शुरू होता है सोलर रिफ्लेक्टर्स के साथ। इस मशीन के दोनों साइड्स बड़े बड़े सोलर रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं जो एनर्जी को एस्ट्रॉइड पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और ड्रिलिंग शुरू होती है। स्टेप 3 में इस एस्ट्रॉइड के छोटे छोटे टुकड़े आइस एनक्लोजर में कैप्चर किए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं। प्लस इन एस्ट्रॉइड में हमें हीलियम मिल सकता है जो रॉकेट फ्यूल के काम आ सकता है। यानी एक एस्ट्रॉइड हमारे रॉकेट्स के लिए पेट्रोल पंप रीफ्यूलिंग स्टेशन बन सकता है। लेकिन अगर ये बात इतनी सिंपल है तो सारे देश, सारी कंपनीज अपनी सारी एनर्जी एस्ट्रॉइड माइनिंग में फोकस क्यों नहीं करते। कुछ ही दिनों पहले हमने अबू धाबी स्पेस डिबेट में स्पेस एक्सप्लोरेशन में होने वाले रेवोल्यूशन के बारे में जाना। यहाँ दुनिया के लीडर्स ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दुनिया के सामने रखा कि स्पेस का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए करने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि हम सब जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़कर एक कॉमन कॉज के लिए काम करें। एस्ट्रॉइड माइनिंग जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगेगी और माइनिंग होने के बाद ये सारा मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा अलग से। वी आर प्रिजनर्स ऑफ ग्रेविटी एंड दैट्स व्हाई हमें पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए पहले 300 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए इतनी एनर्जी लगती है जो हमें बाद में पृथ्वी से इन एस्ट्रॉइड्स तक पहुंचने के लिए भी नहीं लगती। अगर स्पेस ट्रैवल को एक रियलिटी बनाना है तो हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। जब तक टेक्नोलॉजी शेयरिंग नहीं होगा तब तक हम एक दूसरे से ही कम्पीट करते रहेंगे और ह्यूमैनिटी का भला कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी रीयूजेबल रॉकेट्स डेवलप करती है,
भारत जैसा कोई देश अपना टैलेंट पूल प्रोवाइड करता है और यूएई जैसा कोई देश अपनी इन्वेस्टमेंट करके एस्ट्रॉइड माइनिंग जैसे प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। जरूरत है कॉम्पिटिशन की नहीं, कोलैबोरेशन। एट द सेम टाइम ये याद रखने की जरूरत है कि आज स्पेस का इस्तेमाल कमर्शियल, सोशल और डिफेंस पर्पसेस के लिए होता है। आज दुनिया में कई कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं जो फुल फ्रीडम के साथ ऑपरेट करती हैं। लेकिन जब हम स्पेस में जाएंगे तो कितनी फ्रीडम किन पार्टीज को मिलनी चाहिए, एस्ट्रॉइड माइनिंग का ये आउटपुट कैसे शेयर होगा, कितनी अकाउंटेबिलिटी होगी किन किन पार्टीज को, इन सारे मुद्दों पर डिस्कशन होना जरूरी है क्योंकि स्पेस के अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, जो आज के दिन पैसों की और राइट टेक्नोलॉजी के हर्डल को पार नहीं कर पा रही। जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी वैसे ये मिशंस चीपर और एफिशिएंट होते जाएंगे। आज 70 देशों के पास एक स्पेस प्रोग्राम है। किस देश का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या ये सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में डिसाइड होगा? अर्थ की जियोपॉलिटिक्स काफी इंटरेस्टिंग है। दूर से ऑब्जर्व करें तो कुछ ही देश दुनिया चलाते हैं। क्या यही ट्रेंड स्पेस में भी दिखेंगे? We have to find out. Elon Musk एक विजनरी है जिनका एक सपना है कि हमें पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज करना ही पड़ेगा। Now think about it. Asteroid mining का एक और फायदा है कि हमारे स्पेस में आउटपोस्ट बनेंगे। इनका इस्तेमाल हो सकता है रॉकेट्स को रिफ्यूल करने के लिए, उन्हें सुधार लाने के लिए और उन्हें अगली जर्नी के लिए तैयार करने के लिए। ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी के बाहर हमारा एक स्टॉप बन सकते हैं। चैप्टर 4 कंक्लूजन। वी लव स्पेस और हमारे यूनिवर्स में से कई सारे वंडर्स है जो हमारे इमेजिनेशन के भी परे है। जैसे पूरे के पूरे प्लैनेट्स है जो सिर्फ डायमंड से बने हैं। ऐसे प्लैनेट्स है जहाँ ऊपर से नीचे नहीं, हॉरिजॉन्टली यानी साइड से साइड बारिश होती है। हमारे यूनिवर्स में इंटरस्टेलर में जैसे हमने देखे थे वैसे पूरे के पूरे पानी से भरे हुए प्लैनेट्स है और जहाँ पानी है वहाँ लाइफ होने की पॉसिबिलिटी है और इन तक पहुँचने की जर्नी एस्ट्रॉइड माइनिंग से ही शुरू होगी। एस्ट्रॉइड्स आर इम्पोर्टेंट क्योंकि जब हमारी पृथ्वी नई फॉर्म हुई थी तब काफी सारे एस्ट्रॉइड्स यहाँ टकराते थे। थियोरी यही है कि इन्हीं एस्ट्रॉइड्स की वजह से पानी धरती पर आया और कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी जिन्होंने लाइफ को यहाँ पर पॉसिबल बनाया। और वैसे ही हो सकता है कि फ्यूचर में एस्ट्रॉइड्स हमें हमारे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने में भी मदद करें। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि स्पेस काफी एक्साइटिंग है और इसी स्पेस के कुछ एक्साइटिंग राज आपके साथ शेयर करने से मुझे फर्क पड़ता है। ये दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। क्या आप स्पेस के बारे में ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। भारत के आर्मी के कुछ अमेजिंग अचीवमेंट जानने के लिए ये वीडियो देखिए। क्या इस रोज सिर्फ पैसे वेस्ट करता है, इस सवाल का जवाब हमने इस वीडियो में दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।